आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ द्वारा टेस्ट की गई एक मिसाइल सिस्टम के बारे में, जिसको लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी हुई है। इस वीडियो के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए और समझने की कोशिश की जाए कि एक्चुअली हुआ क्या है। सबसे पहली चीज, क्योंकि ये टेस्ट ओडिशा में हुए हैं, इस वजह से जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो लोकल जर्नलिस्ट के माध्यम से निकल कर आ रही है, और क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं की गई है, इस वजह से आपको ये न्यूज फेस वैल्यू पर लेनी पड़ेगी। यहाँ पर लोकल न्यूज के माध्यम से दो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। पहली, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि निर्भय का जो लेटेस्ट वेरियंट है उसकी टेस्टिंग की गई है, और दूसरी द इंडियन एक्सप्रेस के हेमंत कुमार राउत की तरफ से कहा गया है कि बीवीआर मिसाइल अस्त्रा की भी टेस्टिंग की गई है। देखिए, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियली कोई बात नहीं कही गई है, इस वजह से इस चीज को कंफर्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसको हम लोग यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते डीआरडीओ की तरफ से दो एरिया वार्निंग दी गई थी, जिनको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। हालांकि आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में जो एरिया वार्निंग दी गई थी वो 18 तारीख को खत्म हो गई थी, और जो आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में एरिया वार्निंग है वो इस समय एक्टिव है। अगर आप दोनों ही एरिया वार्निंग्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेफ्ट साइड वाली एरिया वार्निंग किसी बीवीआर मिसाइल सिस्टम या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एरिया वार्निंग है, वहीं पर राइट साइड वाली एरिया वार्निंग काफी हद तक एक मैन्यूवरिंग मिसाइल की एरिया वार्निंग है, जैसे कि नॉर्मली निर्भय की एरिया वार्निंग होती है। वहीं पर अगर दूसरी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो ओडिशा के कोस्ट के ऊपर Su-30 MKI देखे गए थे, और ये चीज हम लोगों ने पहले निर्भय के टेस्ट के दौरान देखी है कि Su-30 MKI की मदद से इस मिसाइल सिस्टम को चेस किया जाता है। एक बार इसकी चेजिंग जैगवार फाइटर बॉम्बर से भी की गई थी और बहुत ही शानदार फुटेज पब्लिक डोमेन में रिलीज की गई थी। वहीं पर अगर अस्त्रा की टेस्टिंग की भी बात की जाए तो ये भी Su-30 MKI से ही की जाती है, यानी कि पॉसिबली यहाँ पर दोनों ही मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग की जा सकती है। लेकिन अगर एरिया वार्निंग के साथ आप चीजों को कोरिलेट करें तो आपको समझ में आएगा कि पिछला टेस्ट जो 18 तारीख से पहले होना था वो बीवीआर मिसाइल सिस्टम अस्त्रा का हो सकता है, और ये आज का जो टेस्ट हुआ है वो निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पहले एरिया वार्निंग की लेंथ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लेंथ भी काफी ज्यादा है। इस एरिया वार्निंग की लेंथ 180 किलोमीटर की है, यानी कि अगर अस्त्रा मिसाइल सिस्टम का यहाँ पर टेस्ट हुआ है तो ये Mk2 वेरिएंट हो सकता है, और इस चीज की भी पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि दोनों ही मिसाइल सिस्टम के टेस्ट किए गए हों, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग तरीके की एरिया वार्निंग्स अवेलेबल थी। देखिए, अस्त्रा Mk1 को लेकर हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये मिसाइल सिस्टम अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करके ऑलरेडी प्रोडक्शन में जा चुकी है और इस समय इसका कोई और टेस्ट सेंस नहीं बनाता है। हालांकि अगर ये मिसाइल सिस्टम Mirage 2000, Mk-29 या LCA तेजस से टेस्ट की गई होती तो हम लोग ये चीज मान सकते थे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ट्रायल्स हो रहे हों। वहीं पर कई लोगों की तरफ से पूछा जा रहा था कि क्या ये अस्त्रा IR का टेस्ट हो सकता है। देखिए, अस्त्रा IR का अभी तक प्रोटोटाइप डेवलप नहीं किया गया है, और जब तक इनिशियल यूनिट्स नहीं बनाई जाएंगी तो टेस्टिंग तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, ये दोनों ही प्रोजेक्ट यानी कि अस्त्रा Mk2 और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स की रिपोर्टिंग काफी अलग है, और इस वजह से इनको लेकर इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आएगी ही नहीं। लेकिन मीडिया स्पेकुलेशंस चलती रहेंगी, जैसे कि निर्भय के केस में बहुत सारे टेस्ट को फेल बताया गया है, लेकिन अगर डीआरडीओ की तरफ से देखा जाए तो उनकी तरफ से इनको सक्सेसफुल कहा गया है। होप इस वीडियो के बाद में आपकी कुछ कंफ्यूजन दूर हुई होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।